गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज आपके लिए एक पार्ट टू जो आपका खनिज पदार्थ चल रहा था इसमें आपको लेकर के आई हूँ। और ये टॉपिक आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत इम्पोर्टेंट है, और नेक्स्ट कभी भी फ्यूचर में आप एग्जाम दे रहे होंगे कोई कंपटीशन एग्जाम, तब भी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा और जिसमें आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। तो आइए देखते हैं पार्ट टू। हमने इसके पहले आपको बताया था खाद्य पदार्थ क्या होते हैं, यानी भोजन क्या है, भोजन का वर्गीकरण क्या है, यानी हमने इसको पांच ग्रुप में आपको बांटा था कि हर ग्रुप से आपको जरूरत है भोजन की, हर ग्रुप से एक फूड आपके भोजन में होना चाहिए, ये हमारा एक तालिका होनी चाहिए आहार आयोजन में। और जिसमें से सारे में से एक एक फूड शामिल करेंगे तो आपको सारे पोषक तत्वों की आवश्यकता की पूर्ति हो जाएगी। तो आज मैं आपको ये पोषक तत्व बताएंगे और बारी बारी सारे पोषक तत्व को डिटेल करेंगे। इसमें आपको देखिए हमने यहाँ पर सात जो है पौष्टिक तत्व लिखा है, जिसको न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, पोषक तत्व जिसको लिखा है, ये हमारे जो पोषक तत्व होते हैं जिसको हम भोजन के माध्यम से लेते हैं और हमारे शरीर में जाने के बाद ये मरम्मत, वृद्धि, विकास और ऊर्जा, शक्ति देने का कार्य करते हैं। तो ये हमारे मुख्य रूप से पोषक तत्व होते हैं। देख लीजिए इसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, जल और रेशेदार पदार्थ। अब इसमें देखिए जो कार्बोहाइड्रेट और वसा होते हैं इनका मुख्य काम होता है ऊर्जा देने का काम और शक्ति प्रदान करने का काम, और इसके मुख्य रूप से जो प्रोटीन होता है ये हमारे निर्माण और मरम्मत का काम करता है, और हमारा जो विटामिन होता है ये रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है, और हमारा जो खनिज लवण होता है ये हमारे शरीर में नियमन और संतुलन रखने का काम करता है, और हमारा जल शरीर में अम्ल और क्षार की मात्रा का नियंत्रण करता है, और रेशेदार पदार्थ ये हमारे शरीर में कोई निर्माण कोई मरम्मत का काम नहीं करते हैं, बल्कि हमारे शरीर में छोटी आंत को सुरक्षित रखने का काम, भोजन को पचाने का काम करता है ये रेशेदार पदार्थ। तो ये हमारे मुख्य रूप से सात रेशेदार सात जो है पोषक तत्व होते हैं, और इनको बारी बारी से जानेंगे क्या होते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने लिखा है कार्बोहाइड्रेट, क्या है हमारा कार्बोहाइड्रेट। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट हमारा इसका संयोजन किससे मिलकर बना होता है, तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर हमारा क्या होता है, हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है। अब इसमें देखिए इसके स्रोत क्या है, यानी किस 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 चीज को हम खाएंगे जिससे हमें कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति होगी। तो देखिए इसका मुख्य रूप से दो स्रोत होते हैं, क्या क्या होते हैं, ये हमारे स्टार्च और शर्करा। स्टार्च कहाँ से मिलता है, स्टार्च के रूप में हम जो अनाज इतने खाते हैं उनसे हमें कार्बोहाइड्रेट के रूप में क्या मिलता है, स्टार्च मिलता है, जो हमें शक्ति और एनर्जी देने का काम करते हैं। तो ये हमारे स्टार्च होते हैं, जितने प्रकार के हमारे अनाज होते हैं वो हमारे क्या है, ये स्टार्च के रूप में हम कार्बोहाइड्रेट को लेते हैं। दूसरा हमारा शर्करा के रूप में, यानी हम गुड़, चीनी और शहद, ये हमारे क्या होते हैं फल, ये हमारे क्या होते हैं शर्करा के रूप में हम कार्बोहाइड्रेट को लेते हैं। यानी कार्बोहाइड्रेट लेने के दो रूप हैं, कौन कौन से, स्टार्च और शर्करा। स्टार्च हम अनाज के रूप में लेते हैं और शर्करा हमारा चीनी, गुड़, शहद और फलों के रस, ये हमारे शर्करा के रूप में होते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है सेलुलोज, ये भी कार्बोहाइड्रेट का एक स्रोत होता है जो पेड़ पौधों में पाया जाता है, लेकिन ये हमारे जो जानवर होते हैं उनके लिए आवश्यक होते हैं, वो उनकी जो डाइजेस्ट सिस्टम है इसको सेलुलोज को पचा सकती है, लेकिन हम लोग का जो डाइजेस्ट सिस्टम है सेलुलोज को पचा नहीं सकता, वो कड़ा होता है, हमारा डाइजेस्ट सिस्टम इसको पचा नहीं सकता है। यानी पेड़ पौधों में जो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है वो क्या है, सेलुलोज है, जो जानवरों के लिए आवश्यक होता है, जानवरों के लिए जो है पचन के लिए उनके लिए जरूरत है, हम लोग के डाइजेशन को ये सेलुलोज को पचा नहीं सकता। नेक्स्ट हमारा उपयोगिता, यानी हम कार्बोहाइड्रेट लेंगे हमारे शरीर में इसका कार्य क्या है, क्या क्या काम ये करता है। तो देखिए ऊर्जा एवं शक्ति देने का काम करता है, और पाचन तंत्र को ठीक रखने का कार्य है, यानी हमारे पाचन सिस्टम को भी ठीक करने का काम करता है। मांसपेशियों का निर्माण करता है, यानी हमारी जो मांसपेशियां हैं, यानी जो हड्डियों के ऊपर जो स्किन होती है, यानी हड्डी और स्किन के बीच में जो पोषण होता है वो हमारा क्या है, मांसपेशियां होती है, जिनके निर्माण में हमारा मांसपेशी जो है कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता पड़ती है। अब देखिए एक चीज यहाँ पर हमने लिखा ग्लाइकोजन, तो ये ग्लाइकोजन क्या होता है, ये हमारा जब
ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट होता है, ये जब सबसे छोटी इकाई यानी ग्लूकोज में टूटती है और जब ज्यादा मात्रा में हमारे शरीर में रहती है तो लीवर में ये ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर हो जाती है। क्या करती है, जब हमारे शरीर में ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा होती है तो ये ग्लाइकोजन के रूप में कहाँ पर, लीवर में स्टोर हो जाती है, यकृत में स्टोर हो जाती है। अब जब कभी हमें जरूरत पड़े या व्रत हो या ऐसी कंडीशन में जहाँ हमें खाने के लिए मतलब कुछ सटीक नहीं है वहां पर, तो उस समय हमारा यही ग्लाइकोजन पुनः ग्लूकोज में बदल करके उस समय हमें एनर्जी देने का कार्य करता है, हमारे शरीर की शक्ति देने का काम करता है। यानी स्टोर, जैसे हम लोग बैलेंस रखते हैं बैंक में, जैसे हम लोग गुल्लक में पैसे रखते हैं तो हमें काम देता है, उसी तरह से ही हमारा लीवर होता है, ये कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करके बॉडी में रखता है, जब इसकी जरूरत होती है फिर पुनः ग्लूकोज में बदल करके शक्ति देने का काम करता है। अब देखिए आवश्यकता, हमें पर डे की आवश्यकता कितनी होती है, 400 ग्राम पर डे, एक वयस्क व्यक्ति को 400 ग्राम पर डे की आवश्यकता होती है। अब इसमें आपकी जो किलो कैलोरी के रूप में जो आपकी आरडीए चार्ट में दिया गया है और डिटेल्स में आपको नेक्स्ट में जब ऐसा आएगा टॉपिक में तब मैं आपको वहां पर बताऊंगी। वैसे आप जान लीजिएगा 60 से 70% जो कार्बोज होता है हम किसके माध्यम से लेते हैं, यानी अनाज और शर्करा के माध्यम से, यानी स्टार्च और शर्करा के माध्यम से हम जो है कार्बोहाइड्रेट को लेते हैं। इतने कार्बोहाइड्रेट को लेने से हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट की कमी नहीं होने पाती है। अब आते हैं यदि हम अधिक खाएंगे, यानी 60-70 से ज्यादा मात्रा में अधिक कार्बोज ले रहे हैं तो हमारे भोजन का पाचन नहीं होता है और मोटापा बढ़ जाता है, मस्तिष्क स्थिर हो जाता है। ज्यादा जब हम ज्यादा ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट को लेंगे तो धीरे धीरे क्या होता है, ग्लाइकोजन की हमारे मांसपेशियों में जमा होने लगती है और ये मोटापा का कारण बन जाती है। थोड़ा बहुत रहेगा तो वो हमारे से हमारी मतलब मांसपेशियों में स्टोर होगा, वो मोटापा से नहीं, लेकिन जब ज्यादा मात्रा में हो जाएगा तो ये वर्षा के रूप में हमारे मांसपेशियों में जमा हो जाती है चर्बी के रूप में, जो मोटापा का एक कारण होता है। तो और इससे क्या होता है, हमारी जो मस्तिष्क होती है अधिक मात्रा में होने से ये शिथिल मतलब धीमी पड़ जाती है। नेक्स्ट हमारा है कार्बोज की कमी। कार्बोज की कमी से क्या, यानी कार्बोहाइड्रेट यदि हम कम लेंगे तो हमारे काम करने की शक्ति भी क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी, क्योंकि हमें ये ऊर्जा देने का काम करता है। यदि इसकी मात्रा में हम कम कर देंगे लेना तो हमारे शरीर दुर्बल हो जाएगा, शरीर जो है दुर्बलता आ जाएगी, शरीर में क्या आ जाएगी, दुर्बलता आ जाएगी। यहाँ पे हमने पूरा नहीं लिखा, देख लीजिएगा इस पे दुर्बलता क्या है, शरीर दुर्बल हो जाएगा और इसके बाद आपका जो है शरीर में जो हमारी स्किन होती है उसमें झुर्रियां पड़ने लगेंगी और भार यानी वजन में कमी आने लगेगी, क्योंकि हमारा कार्बोहाइड्रेट तो खत्म हो जा रहा है ही नहीं हमारी बॉडी में, तो हमारा जो प्रोटीन है वो कभी कभी ऊर्जा देने का भी काम करना शुरू कर देता है। तो हमारे शरीर में क्या है, भार में कमी आने लगती है, थकावट हो जाती है, काम करने मन नहीं लगता, थोड़ा सा काम करें तो थकावट सी आ जाती है और आलस्य यानी काम करने में आलस्य भी आ जाता है, लेजीनेस भी आ जाता है। ये हमारे पूरे कार्बोहाइड्रेट के बारे में हो गए। तो इसमें आप याद कर लीजिएगा किससे बना है, किससे किससे प्राप्त होता है और इनके क्या कार्य हैं, इनकी मात्रा कितना हमें लेना चाहिए, कितने रूप में लेना चाहिए, इनकी अधिकता से क्या हो जाएगा, इनकी कमी से क्या हो जाएगा। अब आते हैं हमारा वसा, क्या है हमारा वसा। अब देखिए जो वसा होता है ये हमारे वसा भी, ये भी क्या होते हैं, ये भी ऊर्जा देने का काम करते हैं, क्या देते हैं, ये भी ऊर्जा देने का काम करते हैं और ये इनको हम अंग्रेजी में फैट भी कहते हैं। ये इसमें कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर हमारा फैट भी बना होता है और इसकी भी प्राप्ति यानी हम दो रूप में वसा को ले सकते हैं, कौन कौन से, जंतु जगत से और वनस्पति जगत से। जंतु का मतलब इसमें अंडा मांस मछली दूध, यानी इसमें जंतुओं से हम प्राप्त करते हैं वो हमारी क्या होती है, जंतु जगत होती है। और वनस्पति जगत क्या होता है, जिसमें पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं उसे हम वनस्पति जगत कहते हैं, यानी इसमें हमारे पेड़ पौधे सरसों का तेल, सूरजमुखी का तेल और जो है बादाम का तेल, ये हमारे क्या है, ये हमारे स्रोत होते हैं किसके, ये हमारे वनस्पति तेल की प्राप्ति के स्रोत होते हैं। तो ये आप याद रखना, जो पेड़ पौधों से मिले वो वनस्पति है, जो जंतुओं से प्राप्त होता है वो हमारे क्या है, जंतु जगत होता है। दो रूपों में हम फैट को प्राप्त करते हैं। अब देखिए कार्य, यानी इसका काम क्या है, ये भी हमारे बॉडी में जाने के बाद क्या करता है, तो ये हमारे बॉडी में जाने के बाद ऊर्जा और ऊष्मा देने का काम करता है। देखिए ऊर्जा मतलब शक्ति देता है और ऊष्मा का मतलब होता है हमारे शरीर में गर्मी बनाए रखता है,
देखिए ठंडी के मौसम में हमें गर्मी की ज्यादा आवश्यकता पड़ती है, हमें ठंडक का एहसास ना हो, तो यानी हमारी यदि उष्मा रहेगी यानी वर्षा को हम लेंगे तो हमारे शरीर में गर्मी बनाए रखने यानी उष्मा बनाए रखने का काम करेगा और हमें ठंडक का एहसास कम होगा। इसीलिए जो है यानी हमें ऊर्जा और उष्मा दोनों को देने का कार्य करता है। और नेक्स्ट हमारा है ये कोमल अंगों की रक्षा करने का काम करता है, यानी हमारे जो कोमल अंग होते हैं जैसे किडनी हुआ, हृदय हुआ और भी हमारे जो अंड पार्ट बॉडी के, इन अंगों को अंदर से सुरक्षा प्रदान करने का काम हमारा करता है। और त्वचा के नीचे और किडनी के चारों ओर भी क्या हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं और यानी हमारी शरीर क्या करते हैं, सुरक्षा प्रदान करने का काम करती है। अब इसकी अधिकता से क्या होगा, ज्यादा मात्रा में लेंगे तो ये मोटापा लगभग मोटापा आ जाता है यानी हमारे मांसपेशियों में जमा होने लगता है। और उसके बाद है पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है और पित्ताशय में पथरी हो जाती है धीरे धीरे। और उसके बाद है रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट भी हो जाते हैं। तो ये हो जाते हैं इसके, वसा को जब ज्यादा मात्रा में लेंगे तब। और पर डे की जो आवश्यकता है वसा की इतनी है 20 से 30 ग्राम पर डे हमें वसा की आवश्यकता पड़ती है, जितने लेने से हमें उष्मा और ऊर्जा दोनों की प्राप्ति हो जाती है और हमारे कोमल अंगों की रक्षा भी हो जाती है। तो ये हमारी वीडियो में हमने आपको दो पोषक तत्वों को कवर किया, कार्बोहाइड्रेट और वसा। नेक्स्ट मैं और भी लेकर के आऊंगी। तो ये मेरी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। लाइक और शेयर करना ना भूलें।